Hi everybody and welcome to another episode of Bollywood Reviews this week. और इस हफ्ते हम रिव्यू करने वाले हैं द मच अवेटेड दृश्यम स्टारिंग अजय देवगन, श्रिया सरन, तब्बू एंड रजत कपूर. ये फिल्म याद रखिए ऑलरेडी चार लैंग्वेजों में बन चुकी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम. तो चार बार लोगों ने फिल्म देख चुकी है. मैंने ये फिल्म चारों लैंग्वेज में देखी है, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट मलयालम फिल्म लगी थी मोहनलाल की, फिर लगी कमल हसन की, फिर रविचंद्रन की कन्नड़ा वाली और वेंकटेश की तेलुगु वाली, जो आप ना देखें तो बेहतर है. तो बात करते हैं हिंदी दृश्यम की. हिंदी दृश्यम की शुरुआत होती है विजय सलगांवकर के साथ, जो कि अजय देवगन है. ये चौथी फेल एक आदमी है जो कि केबल ऑपरेटर है गोवा में. उनकी बीवी श्रेया सरन है और दो बच्चे हैं, एक बड़ी बच्ची एक छोटी बच्ची. बड़ी बच्ची जाती है समर कैंप में. वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर रहती है तब्बू, जिनके जो बेटे रहते हैं वो इनका एक MMS बना लेते हैं. तो MMS बनने के बाद वो लड़का अजय देवगन की जो बेटी रहती है उनको वो हैरेस करता है, उनको ब्लैकमेल करता है. कहता है कि आप अगर मेरे साथ नहीं सोए तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा. तो वो एक रात उसके घर आता है लड़की के, और किस तरह श्रेया सरन और उसकी बेटी मिलकर उस तब्बू के बेटे का मर्डर कर देते हैं, ये स्टोरी है फिल्म दृश्यम की, जो कि हिंदी में बनी है. तो क्या अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाते हैं तब्बू के हाथों से, या फिर वो पकड़े जाते हैं? यही कहानी है दृश्यम फिल्म की और ज़्यादा कुछ नहीं है. अब बात आती है परफॉर्मेंस की. परफॉर्मेंस वाइज अजय देवगन हैज़ गिवन अ फैबुलस परफॉर्मेंस. आई मीन इतना बेहतरीन काम वो इस दृश्यम में करेंगे मैंने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अभी तक मोहनलाल हैज़ डन द बेस्ट वर्क इन दृश्यम. लेकिन जो काम अजय देवगन इस फिल्म में करते हैं, माइंड यू उनकी जो आंखें हैं वो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं और बेहतरीन एक्टिंग करते हैं उनकी आंखों से. एंड का जो सीन है जब तब्बू और अजय देवगन के बीच में एक फेस ऑफ होता है, उसमें अजय देवगन ने कमल हसन, मोहनलाल, वेंकटेश और रविचंद्रन इन चारों को बीट कर दिया है हैंड्स डाउन. लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो मोहनलाल को बीट कोई नहीं कर पाया आज तक, ना कि कमल हसन भी. तो अजय देवगन भी ठीक ठाक काम करते हैं, कभी कभी लगता है कि वो सो रहे हैं फिल्म में, लेकिन ऑन द होल ही हैज डन जस्टिस. ये फिल्म मैं आपको याद देना चाहूँ अकॉर्डिंग टू हिंदी ऑडियंस सेंसिबिलिटी बनाई है डायरेक्टर ने. डायरेक्टर ने अपने हिंदुस्तान की ऑडियंस को सोच के फिल्म बनाई है, काफ़ी अर्बन तरीके से बनाई है. वहाँ पर एक छोटा सा गांव रहता है, चाय की दुकान भी छोटी सी रहती है. नॉर्मली वो लोग बेचारे बिरयानी खाने जाते हैं, छोटी सी साड़ी दुकान में शॉपिंग कर लेते हैं. यहाँ पर दे हैव शोन इन अ मोर अर्बन वे. एक होटल रहती है जहाँ चाय का टपरी रहती है, जहाँ पर बियर भी मिलता है रात को. So he has made the movie according to the Hindi audience sensibility. And for once, Shreya Saran doesn't look like a mother of a 15-16-year-old girl. तो उनको भी उनने बहुत अच्छी तरह की जस्टिफाई किया. इसमें जो बड़ी लड़की रहती है वो उनकी अडॉप्टेड बेटी रहती है. तो माइंड यू अगर आपको लगे कि श्रेया सरन इसकी मम्मी कैसी हो सकती है, तो वो एक अडॉप्टेड बेटी रहती है. और इसमें काफ़ी अलग ट्विस्ट भी डाले हैं. ये फिल्म बहुत फास्ट जाती है. यहाँ के तमिल वर्जन और जो क्या बोलते हैं मलयालम वर्जन है वो काफ़ी बड़े हैं. द पापा नासम द तमिल वर्जन इज 3 hours लॉन्ग. इट्स टायरिंग, यू आर फेड अप. इसमें निशिकांत कामत ने फिल्म काफ़ी क्रिस्पली बनाई है, काफ़ी ब्रिस्क पेस पे बनाई है. इसके लिए मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा. बहुत सारे सीन्स ऐड किए हैं अजय देवगन जो अपने सबूत रखते हैं, उन सबूतों में भी बहुत सारे सबूत जोड़े गए हैं इस फिल्म में. तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडलिंग किया. तब्बू हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. आई मीन सलमान खान ने उनको जेहू में लेकर इंडस्ट्री पे एहसान किया है, उनको वापस इंडस्ट्री में लाकर, और दृश्यम के साथ उन्होंने अपना फॉर्म बरकरार रखा है. जो शाहिद कपूर के साथ जो उन्होंने हैदर की थी, वो हैदर का परफॉर्मेंस वो आगे कंटिन्यू करती है यहाँ पर ब्रिलियंटली. श्रेया सरन इज लुकिंग वेरी गुड. आई थिंक शी इज़ द हॉटेस्ट ऑफ द फोर मदर्स विच आर इन दृश्यम मूवी. बाकी चारों आंटी लोगों को लिया था, बुढ़िया आंटियों को, वेरी बैड टाकास्ट. इसमें जो चाय की दुकान वाला भी है वो भी काफ़ी अच्छे काम किया. लेकिन जो इंसान दृश्यम को स्टील करता है, शो को, पूरे शो को, मतलब जो उठा के अलग लेवल पे लेके चले जाता है, वो है गायतोंडे.
इंस्पेक्टर गाय तोंडे, आपने इसको बहुत बार पहले देखा होगा, इज अ सरप्राइज ऑफ द फिल्म। इस कैरेक्टर ने फिल्म को उठा दिया, ही प्लेड गाय तोंडे बेटर देन एनी इन द फोर वर्जन्स। ऑल इन ऑल गाने फिल्म के बहुत अच्छे हैं। कार्बन कॉपी गाना आपको रोने में मजबूर करता है, स्टोरी आगे ले जाता है, और दम घुटता गाना जो है वो भी बेहतरीन गाना है। ऑल इन ऑल निशिकांत कामत की दृश्यम जो है बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है। मैं जहाँ तक जानता हूँ 100 में से 60% भारतीय लोगों ने दृश्यम नहीं देखी है, तो ये उनके लिए है। मेरे तरफ से मैं दृश्यम को देता हूँ 1, 2, 3 stars। फिल्म देखिए अपने परिवार के साथ, इंजॉय कीजिए, बाहर निकल के सस्पेंस मत बताना क्योंकि सस्पेंस बेहतरीन है, क्लाइमैक्स विद बॉडी ओवर। सो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे बैंगिस्तान का इंटरव्यू लेके, बैंगिस्तान का वर्डिक्ट लेके, रिव्यू लेके। टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल मैन।